कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करेगा पार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था मनुस्मृति में अधिकार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में लिखा सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेगा पार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दे दिया भारत के संविधान में मैंने लिखा। आप बात आरएसएस की करते हो, चर्चा आरएसएस की करते हो, उस आरएसएस की करते हो जो 1925 में बना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही इसी देश के अंदर हमारे समाज के अधिकारों के लिए 1924 में समता सैनिक दल बनाया था, जिसे आपने भुला दिया है। वर्ण व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद, और हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, ये बात कहने के लिए कि हम 85% हैं, लेकिन 85% कहने के लिए ही हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, इसलिए 15 छोड़ 85 होगा। भोजन जब तक एक नहीं, और करो गुलामी चाहे जितनी पा सकते तुम राज नहीं, इसलिए एकता की ज्यादा जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने महापुरुषों का विचार को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर एक ऐसा विधि के द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया कि जिसमें देश के हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित किया। इस देश की मनुवादी व्यवस्था जो यहाँ के मनुवाद पर आधारित थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे नेस्ता नाबूद कर दिया बिना किसी खूनी क्रांति के। वो ब्राह्मणी व्यवस्था बंटवारे वाली थी, कौन सी थी, मनुवाद में था कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करेगा पार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था मनुस्मृति में अधिकार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में लिखा सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेगा पार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दे दिया भारत के संविधान में मैंने लिखा। यह बाबा साहब पूरे देश को ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, पूरे देश को लड़ने वाला बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, पूरे देश को व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे, क्योंकि देश को गंदा हम ही नहीं कर रहे, देश को गंदा दूसरे लोग भी कर रहे हैं, इसलिए झाड़ू के काम में उन्हें भी आना पड़ेगा और आ भी चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो साथियों, समता सैनिक दल, आप एकता की बात कर रहे हो, आपके ये जो पीछे रहने का कारण है सबसे बड़ा ये है कि जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी संस्था बनाई मूल, आपने उन्हें तो भुला दिया और अपने अपनी संस्था बना के खड़ी कर दी। आप बात आरएसएस की करते हो, चर्चा आरएसएस की करते हो, उस आरएसएस की करते हो जो 1925 में बना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही इसी देश के अंदर हमारे समाज के अधिकारों के लिए 1924 में समता सैनिक दल बनाया था, जिसे आपने भुला दिया है। इसलिए आपको यदि मुकाबला करना है तो एक दिन तय कर लो, जैसे आप बौद्ध धर्म अख्तियार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि आरएसएस को आपको पीछे दिखाना है तो एक दिन तय कर लो कि कोई किसी भी संगठन का हो, वो समता सैनिक दल लिखा हुआ अपने बैनर पर अपनी वर्दी पहनकर एक दिन तय कर लो और पूरे देश में अपने अपने एरियों में खड़े हो जाओ, आरएसएस देश का नाबूद हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपकी ज्यादा है, संख्या आपकी ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो मेरे साथियों, समता सैनिक दल का 98वां स्थापना दिवस 24 सितंबर को अम्बेडकर भवन में और 25 सितंबर को आम सभा की जा रही है, पूरे देश के तमाम दिग्गज तमाम साथियों को बुलाया जा रहा है, सभी संगठनों का आह्वान है कि आप 25 तारीख की आम सभा में आए और 24 में भी आमंत्रित हैं। इसलिए साथियों, समता सैनिक का जंतर मंतर पे आंदोलन पूरे देश और दुनिया के अंदर एक आंदोलन हो चुका है। ये भारत की बात नहीं है, आपकी प्राइवेट कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां, या भारत के ब्राह्मणवादी लोग वहां भी इंजीनियरों के साथ, वहां भी इंजीनियरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको निकालने का भी काम एप्पल जैसी कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया। इसलिए अंत में मैं श्रद्धांजलि देता हूँ
इंद्र मेघवाल को और मांग करता हूँ मैं एक काम कर लो कि ऐसा करम और सोसी जिसमें तेरी भलाई अपना हक लेने के लिए तेने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी लड़ाई अरे हक मांगते फिरते तुम हक का क्या तुम्हें टोटा और घी मांगो तुम 5 किलो का बर्तन ले रहे छोटा और परखनिया का दोष बता रहे टका तुम्हारा खोटा अपने टोके को सही कर लो तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाएगी। जय भीम जय भारत।